हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड यूट्यूब फैमिलीज। तो यहाँ पे उमर कशिश भी आई है और हमारे सोसाइटी में जन्माष्टमी सेलिब्रेशन हो रहा था एंड ये देखिए, सॉरी फॉर लेट अपडेट, जन्माष्टमी के टाइम हो चुका है और यही बस तैयारी चल रही थी हमारी। ये देखो नीचे मेरे जीजू, ये तन्नु, इन लोग सब मज़े कर रहे हैं, खुशी है सब बच्चों के साथ। ये पहली बार ऐसे नीचे उतरे क्योंकि कभी नहीं जाते, तो ये भी बोले चल सब बच्चे तो बच्चों के साथ थोड़ा सा उन लोग को पकड़ने के लिए उनको बढ़ ऊपर एक के ऊपर एक वो जो चढ़ते ना पिल्लर बनाते, तो पिरामिड बनाने के लिए थोड़ी हेल्प आउट करने के लिए, तो मज़ा आ रही थी, थोड़ा इन्जॉय कर लिए। बच्चों के साथ बच्चे बनना भी बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ नहीं, यहाँ पे ये भाई साहब पता नहीं क्यों पानी का इतना वेस्ट कर रहे, पानी तो घर पे टाइम पे देते नहीं है और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे लोग को चढ़ा रहे थे, नहीं हो पा रहा था उनसे भी। और बस यही है कि अच्छे से सब वही बच्चे लोग का हम लोग देख रहे थे, टाइम पास हो रहा था, छुट्टी थी तो लास्ट में सब गर्ल्स में ही फोड़े, बहुत हंडी नीचे कर दिए थे। और तन्नु थोड़ा अपसेट हो गया था कि मम्मी ये सब क्या है, गर्ल्स लोग को क्यों चढ़ा है, हम लोग को चलना था, इतना हंडी को नीचे कर दी, ये देखो ये देखो ये देखो। तो यही बस है, मज़े कर रहे हैं ये दोनों भाई साहब यहाँ पर हैं और खुशी वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। और बस ये लोग का कुछ चल रहा है, तन्नू और उसके फ्रेंड्स का, वो देख सकते हैं आप, कुछ तो चल रहा है उन लोग का आपस में कि कैसे कौन, वो देखो वहाँ पर जाके अभी लड़कियों का ग्रुप आ रहा है यहाँ पर, तो वो ये सब चल रहा है कि कैसे कौन कौन ऊपर सबसे चढ़ेगा, कौन सबसे टॉप पे रहेगा भाई। और वहाँ पे शायद तन्नू और तन्नु के फ्रेंड्स लोग का है और ये कमर पे हाथ रख के दोनों साले जीजा, ये अभी गर्ल्स चढ़ रहे हैं, चलो देखते हैं कैसे क्या है। हाँ ये देखो खुशी 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 गई कम से, खुशी को चढ़ाए रे खुशी को चढ़ाया फाइनली गिर गई खुशी दोनों को लेके गिर गई। तो हम भी वही बोल रहे थे कि ये क्या चल रहा है, खुशी देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये उमा गुस्सा कर रही थी खुशी को, खुशी ऊपर मत चढ़, खुशी ऊपर मत चढ़ करके, तो वही है मस्ती चल रही थी। ये अभी तन्नू वाली टीम चढ़ रही है, तो ये इसने फर्स्ट टाइम टच करके अच्छे से टच करके उतरा, ये जो है तन्नू का फ्रेंड, ये देखो स्टैंडिंग करके आई थिंक, बट नहीं ये फर्स्ट ट्राई है, मस्त अच्छे से टच करके नीचे उतर गया था। ये देखो ये यही डर लगता है इसमें कि मार वार ना लग जाए, बट कोई ना, ये अभी दूसरा ट्राई शायद से फिर से, ये नीचे से बड़े बड़े आदमी लोग हैं। ये लड़का भी नहीं चढ़ पाया था, ये भी हिल के गिर गया था शायद से। बस कुछ नहीं, बच्चों ने एंजॉय किया, अच्छा लगा बच्चों ने एंजॉय किया। ये सारे फेस्टिवल्स आते हैं तो कैसे ना, इससे उनको भी मालूम होता है कि कौन सा फेस्टिवल क्या है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। ये देखो ये सेकेंड राउंड भी गिर गए, ये देखो ये भाई साहब को देखो अपने ही बेटे को लेके गर्दन पे नाच रहे थे। ये अभी गर्ल्स वाली टीम थी, ये इनके लिए हंडी ये फ्लॉप हो गया था, थोड़ा हंडी को बहुत नीचे कर दिए थे, वो चीटिंग एक हिसाब से चीटिंग थी, तन्नू को वही गुस्सा आ रहा था कि इन लोग के लिए हंडी इतनी नीचे क्यों, एक हिसाब से चीटिंग ही हो गया। और हमारे दोनों जो है वो वहाँ कॉर्नर में खड़े हो गए, शायद से गिव अप कर दिए क्योंकि उनका ऐसा था कि सब गर्ल्स लोग अभी चढ़ रहे, तो कहा ना क्योंकि कभी कुछ गिर विर गए तो बीच में फिर बॉयज़ में आ गए। तो अब आई थिंक ये जो है अब ये वाला टाइम, ये मस्त अच्छे से टच करके हंडी को, हाँ ये देखो बहुत अच्छे से टच करके, ये ऐसा रहता है कि शायद फर्स्ट राउंड टच करके ऐसे देखना है एंड देन फिर से उतरना है एंड देन सेकेंड राउंड में फोड़ना रहता है, बट अफसोस कि उन लोगों को मिला नहीं फोड़ने। यहाँ पे इसकी मस्ती चल रही थी, पता नहीं एयरपॉड्स वगैरह सब निकाल निकाल के अलग ही कुछ चल रहा था इसका। चलो खुशी को शायद फिर से ले लिए थे गोद में।
ये हमारे स्कूल का सेलिब्रेशन मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से हम लोग जो करते हैं ना, रुकते हैं इतना लेट तक, एंड ये सब डेकोरेशंस वगैरह करना रहता है सब टीचर्स को मिलकर, पूरा क्लासरूम बाहर आउटडोर एरिया प्ले एरिया जो भी है वो सब रेडीनेस करना रहता है। हमने इस बार दुपट्टे का सब किए थे प्लानिंग, और ये सारे क्लास टीचर्स हैं, ऐसा डेकोरेट किया था एक कॉर्नर को, फर्स्ट टाइम ऐसा वाला किया था हम लोग ने, और हंडी भी फोड़े गए। ये देखो सब जोड़ी जोड़ी कितने क्यूट क्यूट लिटिल राधास और काना बन के आए थे, बहुत क्यूट लग रहे थे बच्चे, क्या ही बोलना, सबका अलग अलग ही था। यहाँ पे ये देखो काना को झूला दे रही है, कितने अच्छे से बच्चे लोग देखो। तो इसमें ऐसे ही होता है कि हम स्कूल्स में है ना, तो इसमें यहाँ पे हंडी फोड़ी जा रही है, तो स्कूल्स में है ना, तो स्कूल में कैसे ना, आप रिलीजियस को नहीं, सारी चीज़ न्यूट्रल होते हैं, सब अपना अपना सब मिलकर करना चाहिए। तो बस बहुत एंजॉय किया सब, पेरेंट्स गेट टुगेदर, फ़ोटोज़ भी लिए। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा जो हमारा एक रूम है वहाँ पे हम सब पेरेंट्स के साथ डांस कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चों के साथ पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट था। यहाँ पे शायद से मैं भी देखूँगी ये लो तो बस काफ़ी पेरेंट्स खुश हो गए कि उनके बच्चे देखते हैं, स्पेशली न्यू एडमिशन्स जो होते हैं वो पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं अपने बच्चों को देखकर कि फ़र्स्ट टाइम इतने अच्छे से बच्चे एक दूसरे के साथ मिंगल हुए हैं, टीचर्स को टीचर्स के साथ बॉन्ड बना, ये हमारी न्यू टीचर देखो मज़े से ढूंढके लगा रही है। तो बस अच्छा लगा, सबने इन्जॉय किए। लास्ट में यही होता है कि पेरेंट्स इतना अप्रिशिएट करके जाते हैं ना स्कूल्स एंड टीचर्स को, तो वो सुन के बहुत अच्छा लगता है। एनीवेज आप लोग इन्जॉय करो, आई होप आपको ये सब वीडियोज़ अच्छी लगती हो कि छोटे छोटे बच्चों के मोमेंट्स कैप्चर किए। ज़्यादा कुछ था नहीं दिखाने के लिए, तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग को एक बार सेलिब्रेशन बताऊँ कि कैसे होता है। तो इस तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं, और ये मॉर्निंग बैच था, आफ्टरनून बैच तो और धमाकेदार था, बट अफसोस मैं वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि हम सब डांस में बिजी थे। और यहाँ पे हमारी एक पेरेंट फुल एफर्ट लगा के अपने बच्चों को हंडी का पैकेट फोड़ने के लिए हेल्प आउट कर रही है।